हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे आव्यूह जाति कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, मेथड यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करेगा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है अपनी जिसमें अपन को आव्यूह जाति ज्ञात करना बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आव्यूह जाति ज्ञात कीजिए या फिर मतलब कुछ भी। तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आ जाए, ठीक है। और कैसे यहाँ पे सिर्फ आप लोग के लिए मेथड समझनी है, ठीक है। तो देखो अब अपन को किस प्रकार ज्ञात करनी, इसके पहले हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके, तो आप लोग बीएससी फर्स्ट ईयर के और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। सबसे पहले अपन को ए इज इक्वल टू दिया रहेगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू यानी कुछ भी दिया रहेगा, जैसे कि इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 3x3 का आव्यूह। आपने ये क्या कहला, 3x3 का यानी 3 कॉलम और 3 रो हैं, स्तंभ और जाति। तो आव्यूह अपन को किस प्रकार ज्ञात करना है ये रहेगा। देखो सबसे पहले अपन को ए इज इक्वल टू दिया रहेगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। फिर इसके बाद अपन को क्या निकालना है, मॉड ए निकालना है, मॉड ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 3x3, ठीक है, 3x3 का है क्योंकि 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, इसलिए जब मॉड ए निकालेंगे अपन, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 यानी मॉड ए निकालेंगे जो कि बराबर नहीं हो 0 के। अगर अपन ने मॉड ए निकाला और वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो अपन की रो ऑफ ए, फिर अपन रो ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। तो रो ऑफ ए यानी जाति, अपनी रो ऑफ ए क्या कहलाए, 3 कहलाए, क्योंकि 3 है अपन के, इसके 3x3 का है यानी कि इसकी रो कितनी कहलाए, 3। अब देखो सबसे पहले एक बार और समझिए, देखो सबसे पहले तो अपन को ये ए इज इक्वल टू दिया रहेगा, यानी कि ए इज इक्वल टू अपन को कुछ भी दिया रहे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस प्रकार से अपन को कुछ भी दिया रहे, तो अपन का ये 3x3 का भी बन रहा है। यहाँ पे फिर अपन क्या निकालेंगे, मॉड ए, अगर मॉड ए बराबर नहीं है 0 के, यानी 0 के बराबर नहीं है मॉड ए, तो फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन रो ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अपना केस फर्स्ट हो गया, अब केस सेकंड पर चलते हैं। केस सेकंड में अपन को क्या करना है, मॉड ए इज इक्वल टू 0 यानी कि जब ए इज इक्वल टू, अपन को 2x2 यानी कि 2 रो हो और 2 कॉलम हो, यानी 2 रो है अपनी ये और 2 कॉलम है, ठीक है, एक ये कॉलम कहलाते हैं और ये रो कहलाती हैं, ठीक है, या बी सी ई एफ 2x2 यानी कुछ भी हो, ई टी सी, रो ऑफ ए यहाँ पे क्या कहलाए अपना 2, यानी कि जब अपन 3 का आव्यूह लेंगे 3x3 का, तो भी अपन को मॉड ए निकाला और 2x2 का लेंगे तब भी अपन को मॉड ए निकालना है। देखो तो अपन केस फर्स्ट पर चलते हैं। अभी अपना ये क्वेश्चन, अपना ये क्वेश्चन है जो अभी हमने आव्यूह जाति आप लोग के लिए बताई है मेथड, उसी के आधार पर अपन को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन में जैसे बोला जाए कि ए इज इक्वल टू 2 1 1 -1 0 3 -2 2 4 -3 के आव्यूह जाति ज्ञात कीजिए। इसमें अपन को जाति ज्ञात करनी है, तो किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, तो अपन को दिया है ए इज इक्वल टू 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, अपन मॉड ए, मॉड ए किस प्रकार निकालते हैं, रो का प्रसार कर देते हैं अपन इसका, ठीक है, तो 2, जब रो का प्रसार करेंगे तो अपन देखो फर्स्ट इसको ले रहे हैं तो ये हो जाएगा बंद और ये हो जाएगा, क्या बचा अपना 3 -3 यानी कि -9 -4 2 जाए कितना हो जाएगा -8 आएगा, ठीक है, -1। अब इसका करेंगे तो अपन की ये रो तो अपनी पूरी बंद रहेगी, ये वाला कॉलम भी रहेगा, तो क्या 0 -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 4, ठीक है। अब -1, अब ये वाला बंद होगा तो 0 का 4 में होगा तो 0 - 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 यहाँ पे क्या होगा, -8 + 8 -9 हो जाएगा ये +8, तो -9 में से +8 जाएगा यानी कि -1 बचेगा यहाँ पे, -1 4 4, ठीक है, माइनस का +6 आ जाएगा, -1 और -6 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा यहाँ पे, -4 + 6 यानी अपना क्या होगा, मॉड ए इज इक्वल टू 0। अपनी कंडीशन क्या थी, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0 जब आए, लेकिन यहाँ पे मॉड ए नॉट, लेकिन मॉड ए तो यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे अपन की ये वाली जाति नहीं होगी, ठीक है। अब सेकंड केस पर चलते हैं नाउ। अब अपन, अभी अपन ने 3 रो और 3 कॉलम लिए थे, अपन 2 वाले लेंगे, यानी कि अपन फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 2 1 और 0 3 वाला, ए इज इक्वल टू केवल अपन 2 रो और 2 कॉलम ले रहे हैं, यानी अपन इतना ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2 0 1 3,
ठीक है, अपना ये क्या कहेगा टू बाई टू का है। तो अब देखो ये जो अपन का ये था, ये क्या था अपना थ्री बाई थ्री का था, अब जो ये अपन ले रहे हैं ये टू बाई टू का ले रहे हैं। अब यहाँ पे अपन मॉड ए निकालते हैं, मॉड ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टू थ्री सिक्स, टू थ्री सिक्स माइनस वन इज इक्वल टू अपना क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा, नहीं टू थ्री जो सिक्स वन जीरो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे अपना सिक्स ही आएगा। अब देखो मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे अपना आ रहा है, यानी जब अपन को मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो जीरो के बराबर नहीं आए तब अपन लिख सकते हैं कि इसकी रो ऑफ ए यानी आव्यूह की जाति अपनी कितनी कहलाई टू। टू बाई टू में अपन का मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो अपन जाति क्या लिख सकते दो। अगर मॉड ए नॉट इक्वल अगर मॉड ए बराबर जीरो आ जाए तो अपन जो अपन ने थ्री बाई थ्री का आव्यूह लिया था तो इसकी जाति थ्री नहीं होगी, यानी अपन को ये रखना है मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो कब आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।